कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड कमांड सेंट्रल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने एक तरफ जहां नाइट कर्फ्यू में सख्ती लाने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ वासियों से अपील की है कि सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी कोविड पॉजिटिव होते हैं वो खुद ही होम आइसोलेट हो जाएं। जनपद लखनऊ राजधानी होने के नाते यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि यहाँ की बड़ी हॉस्पिटल्स में भी आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो कोविड के केसेस के दृष्टिगत जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसको पूर्णतया लागू कर दिया गया है जनपद लखनऊ में। प्री सर्जिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं, बाहर के जितने आगंतुक हैं उन लोगों की फोकस सैंपलिंग कराई जा रही है, विशेष रूप से एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशनों पे और बस अड्डों पे सैंपलिंग और टेस्टिंग और बढ़ाई जाएगी, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। इसी चीज़ों को देखते हुए और इसको 100% इंश्योर करने के लिए आज पुलिस प्रशासनिक अधिकारी समस्त जो हमारे MOICs हैं शहरी CSCs के, उनको, नगर निगम के अधिकारीगण और साथ में स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारीगण के साथ आज एक बैठक की गई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर राजधानी लखनऊ का जिला प्रशासन सक्रिय हो गया, उसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। कोविड कमांड सेंटर में बैठक थी जिसमें जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर समेत तमाम जो जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, इसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम जुड़े अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया था। कैसे संक्रमण को रोका जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि जो नाइट कर्फ्यू है उसका पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं, इसको भी लागू कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 31 तारीख का भी करीब आ रही है तो उसको लेकर ज़्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं पुलिस को। लगातार जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में अभी 69 एक्टिव केस हैं, इसके अलावा कल 80 जो कोरोना संक्रमित पूरे उत्तर प्रदेश में आए, तो ऐसे में लगातार जिला प्रशासन अब सख्ती के मूड में है। उसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक आज यहां पर कोविड कमांड सेंटर में की गई थी। कैमरामैन शुभम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, JMD न्यूज लखनऊ। जो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।